श्री श्री रविशंकर को ना शास्त्रों का ज्ञान है ना पुराणों का ज्ञान है क्योंकि अगर उन्हें होता तो ये बात ना कहते उन्होंने ये बात ओशो से कॉपी की ओशो की सेम वीडियो मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी उनसे अच्छा। तो उन्होंने ओशो से कॉपी करी बोल दिया अब ऐसे लोगों को हिंदू जब पूज रहे हैं और अगर हम देखेंगे जब सर्वधर्म संगम वाली मीटिंग्स होती हैं तो उसमें श्री श्री रविशंकर सबसे आगे बैठे मिलते हैं तो जब ऐसे लोग हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स तो आनी स्वाभाविक आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसमें हम अक्सर कहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया होता है वही इसके मर्म को समझ पाते हैं लेकिन बदलते दौर के साथ एक बहुत अच्छा बदलाव आया है इस समाज में और वो बदलाव ये है कि आज की युवा पीढ़ी आध्यात्म में बहुत रुचि रख रही है आज मेरे साथ मंथन में जो मेहमान हैं वो भी आध्यात्म के बारे में बहुत अधिक जानते हैं क्योंकि वो स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं शंकराचार्य से दीक्षित हैं और इसके अलावा वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और आजकल आप देख ही रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो आध्यात्म और पॉलिटिक्स दोनों को एक साथ लेकर चल रही है उसका कई बार खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है और कई बार उसकी वजह से बहुत सारी बातें बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं जिससे कि हमें भी आत्म मंथन करने का मौका मिल जाता है आज मेरे साथ मौजूद हैं गौतम अंगीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते।, नमस्ते कैसे हैं हैं आप आप मैं आप कैसे मैं अच्छा कैसे बहुत बढ़िया देखिए एक तो आप कवि हैं कवि पहले से ही नर्म स्वभाव का होता है उसके बाद आपके अंदर आध्यात्मिकता का पुट है अब आध्यात्म इंसान को बहुत मजबूत बनाता है और तीसरा है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इंसान के अंदर जो होता है ना साम दाम दंड भेद इन चारों चीजों को भर देता है तो आपका व्यक्तित्व असल में क्या है मेरा व्यक्तित्व अगर मैं कहूँ तो एक सीधा साधारण व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भगवान को मानता है भगवान को मानता है तो भगवान को समझने की कोशिश करता है और जब जितना भगवान को समझने की कोशिश करता है उतना इस संसार को समझने की कोशिश करता है क्योंकि Uh, मैं जिस सम मैं जिस अध्यात्म के बैकग्राउंड से आता हूँ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अद्वैत के सिद्धांत का प्रचलन है अद्वैत यही कि नर और नारायण दोनों भिन्न नहीं है दोनों एक ही है जिसका जो उपदेश था वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दिया था तो मैं संसार में ब्रह्मांड में भगवान को देखता हूँ और उस तरह से जीवन अपना जीता हूँ कि, कि किसी को भी मुझसे कष्ट ना हो और यही कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व को दर्शाता है बहुत खूबसूरत देखिए आप आदि शंकराचार्य के परंपरा को फॉलो कर रहे हैं आप अद्वैत के सिद्धांत को समझ रहे हैं अध्यात्म आपके लिए क्या है अध्यात्म देखा जाए तो एक ऐसा फैक्टर है एक ऐसा फैक्टर है जिसने मेरी जिंदगी को बदलने का काम किया है देर वॉज अ टाइम जब जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई वो सुसाइडल एट पॉइंट्स मतलब कई बार मेरा मन किया कि बस आज पंदा लगा के लटक जाओ गौतम आप कितने उम्र के हैं मतलब कितने पहले आपने ये सब सोचना शुरू कर दिया आई वॉज इन टेंथ क्लास जब मैंने ये सब सोचा कुछ कुछ नारी रहे थे और मतलब ये हो गया था कि हाँ आज लटक जाता हूँ लेकिन पता नहीं उस टाइम पे किसी चीज़ ने नॉक किया कि नहीं गौतम और मैंने गीता जी का पाठ करना शुरू किया हुँ. और जैसे जैसे मैं गीता को पढ़ रहा था वैसे वैसे मैं समझ रहा था कि नहीं कि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है और इतनी सी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए तब मेरा इंक्ले मैं भगवान की तरफ बचपन से इंक्लाइंट था मतलब भगवान को जानना चाहता था भगवान की कथाएं सुनता था पढ़ता था अपनी दादी से समझता था लेकिन जब कुछ सामने नहीं रहा और जब ऐसा हुआ कि मेरा मन किया कि नहीं अब बस खत्म कर लेते हैं उस समय मैंने गीता उठाई गीता को उठाकर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी लाइफ बदल गई कहीं ना कहीं मैं कहूँगा और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे छोटी लगी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक शक्ति आई एक ताकत आई कि अब बस इससे लड़ना है डरना नहीं है तो मैं मानता हूँ कि जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा और जैसे जैसे मेरी रुचि और ज़्यादा भगवान में होती गई तो जो संसार बातें कहता था जिनसे मैं डरता था जिनके बाद मैं सुसाइडल हुआ था उन बातों का मुझ पर फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो बस है लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जिसे मैं देख रही हूँ बहुत समय से और आप भी उसे नोटिस करते होंगे कि कुछ एक श्लोक उठाते हैं श्रीमद गीता से और उन श्लोकों का पाठ करते हैं उसका अर्थ बताते हैं और बस उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो सच में भगवद गीता या कृष्ण के ज्ञान या श्री राम के चरित्र को आत्मसात कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के वीडियोस बना करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस बारे में मैं कहना चाहूँगा ये मतलब आपने एक बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा है क्योंकि आज जब मैं काफ़ी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अध्यात्म पर वीडियोस बनाते हैं जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं अगर मैं उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करूँ तो देख के मुझे लगता है अरे वाह बड़े अध्यात्मिक व्यक्ति हैं बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं बहुत धर्म को समझते हैं <laughs> लेकिन जब मैं सोशल मीडिया की उस रील वाली दुनिया से बाहर निकल रियल वर्ल्ड में उनसे कुछ बात करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मतलब उन लोगों को आता जाता नहीं है कुछ उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है उन्होंने चार पांच चीजें कहीं से उठाई वीडियोस बनाई और उन्होंने वो अपलोड कर दी इसकी जगह अगर वो लोग जो चीज़ प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं अगर उसके अपने जीवन में वास्तविक रूप से उतारेंगे तो मुझे लगता है कि जो रील बनाने का उनका असली मकसद है वो सफल होंगे उसमें मैं कुछ करूं या ना करूं एक तो जब माला जाप करता हूं जो मेरा माला जाप का नियम है उसका कायदे का नियम यह है कि बिना सिला वस्त्र पहनना चाहिए तो मैं अपनी लाइफ में एक तो वो चीज़ सुबह अच्छा? जब मैं पूजा करता हूँ तो बिना सिला कपड़ा ही पहनता हूँ और यह है कि महीने में मतलब मैं जब भी दो से तीन बार किसी ना किसी मंदिर जाता हूँ तो मेरा यह है कि वेस्टर्न कपड़े पहन के नहीं जाऊँगा डेली लाइफ में उस चीज़ को फॉलो कर पाना मुश्किल है लेकिन हाँ जितना कर सकता हूँ उस हद तक जाऊँ कर्म करो और फल की चिंता मत करो क्या आप जो कर्म करते हैं वो बिना फल की इच्छा किए करते हैं कर्म जो करता हूँ बिना फल की इच्छा के ही करता हूँ क्योंकि एक समय था जब कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत लालसाएं थी कि मैं ये भी हासिल कर लूँ मुझे ये पोजीशन भी मिल जाए मुझे ये भी मिल जाए मैं मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि वर्ल्डली चीज़ों के पीछे भागता था लेकिन जब से मैंने वृंदावन जाना शुरू किया और मेरी पूरी शंकराचार्य जी से दीक्षा हुई उसके बाद ये दुनिया जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब वो होता है ना कि आपको सब कुछ बेकार सा लगने लगता है तो कहीं ना कहीं अब वो कर्म करने के बाद ना फल की इच्छा नहीं रही कर्म करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि इस जीवन के चक्र में आए हैं तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि जरा व्याधि का जो ये चक्र है इसमें हम रहेंगे जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती और मैं उनमें से हूँ जो मुक्ति चाहता भी नहीं हूँ क्योंकि <laughs> क्यों? आ, हम तो मेहनत ही इसलिए करते हैं हम अध्यात्म के पथ पद इसलिए चलते हैं कि बस हो गया अब नहीं आना आ, एक चीज कहते हैं ब्रज के संत कि अगर आप वृंदावन आते हैं तो ये भूल जाइए कि आपको मुक्ति मिलेगी क्योंकि वृंदावनाने से भगवान कृष्ण को भजने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती वो वापस इस बुला जन्म, जन्म जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती आपको बार 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 वृंदावन वास मिलता है भगवान के नज निकुंज में रहने का मौका मिलता है तो दिस इज़ वॉट आई क्रेव फॉर कि आ, अभी तक मुझे वृंदावन वास नहीं मिला है मैं दिल्ली में रह रहा हूँ भगवान करे किसी दिन ऐसा कुछ समय आए कि मैं सब छोड़ छाड़ के और चला जाऊँ वृंदावन ही क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो आश्रम की व्यवस्था थी उसमें भी संन्यास धर्म आता था और मैं चाहता हूँ कि उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करूँ क्योंकि वो लाइफस्टाइल पता नहीं मुझे लगता है कि शायद से इसी तरह से डिजाइन था कि आप सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और आप जब अपने शरीर को त्यागें तो आपको जो जिस्ट है वो समझ में आ चुका हो लाइफ का वो पूरा जो साइकिल था वो इसी तरह से बना हुआ था लेकिन समय के साथ वो बदला है तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उस चीज को फिर से महसूस कर हूँ लेकिन जब सन्यास वो लेते थे उस दौरान ही लीजिएगा जो आपकी ड्यूटीज़ है उसको इग्नोर करते हुए <laughs> सन्यास मत ले लीजिएगा धीरे धीरे मुझे लगता है कि वृंदावन मथुरा इन सब जगहों पे हमारे सन्यासी बहुत बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे खासे प्रोफेशन को छोड़ करके बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों को दिमाग में ऐसा लगता है कि ये लोग ना भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से तो प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि ये फीलिंग ना मुझे आदिपुर शंकराचार्य जी के ही जीवन का एक चरित्र मतलब एक घटनाक्रम याद आता है आदिगुरु शंकराचार्य जी जो थे बालक ही थे आ, तो क्या हुआ एक बार आ, मन में था अध्यात्म के प्रति रुचि थी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माते मैं संन्यास लेना चाहता हूँ लेकिन संन्यास का नियम यह है कि जब तक आपकी माता आपको अनुमति ना दें कि आप संन्यास लें तब तक आप नहीं ले सकते अच्छा। अब आजकल तो लोग अपने परिवार की बिना अनुमति के सन्यास ले लेते हैं वो चीज़ अलग है लेकिन सनातन धर्म में ये है कि आप अपनी माता की अनुमति के बिना संन्यास नहीं ले सकते तो उन्होंने अपनी माता से क्या कहा और पिता का जो है निधन पहले ही हो चुका था तो उनकी माता ने साफ इनकार कर दिया कि भैया मेरा बालक है तू चला जाएगा मेरा क्या होगा अब आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़ी दुविधा में पड़ गए कि भैया संन्यास तो लेना है तो उन्होंने एक लीला रचाई कि उन्होंने लीला रचाई कि एक मगर ने एक मगर मच्छर ने उन्हें पकड़ लिया है और वो समुद्र के जो नदी थी नदी में जिसमें स्नान करने चाहते थे वो उसमें डुबा रहा है उन्हें खींच रहा है तो लीला रचाई तो मैया आई तो मैया भागी भागी आई बचाओ मेरे लल्ला को मेरे बच, बेटे को बचाओ तब शंकराचार्य जी ने कहा कि मैया ये मुझे तब छोड़ेगा जब आप मुझे सन्यास की जो परमिशन है वो दे दोगी तो अब भैया जिंदा रहे चाहे मुझसे दूर रहे ये चीज़ आ गई उनकी माँ के हृदय में और उनकी माता ने तुरंत अनुमति दे दी और हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी कि जब संन्यास लेते हैं आप तो आपका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रहता हालांकि आप अपनी जब भी आपके कभी माता आपके समक्ष आती हैं तो आपको दंडवत करना होता है तो उनकी माँ ने उनसे एक वचन लिया कि जब भी मेरा ये शरीर पूरा होगा तो तुम मेरी अंतिम क्रिया करने तो इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी का सन्यास हुआ तो आपने जो कहा कि मतलब बहुत जल्दी मत चले जाना जिम्मेदारी से तो जिम्मेदारियां जो है ना वो रोकती रहेंगी लेकिन अब अगर देखा जाए तो वृंदावन में जो लोग जा रहे हैं सन्यास लेने आपको क्या लगता है कोई अपनी इच्छा से जाता है <laughs> <laughs> मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग आप सचमुच सब कुछ त्याग कर भाग जाना चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कोई भी अपनी इच्छा से नहीं जाता आप ये समझिए वृंदावन हुआ अयोध्या हुई ये वो जगह है जहाँ भगवान ने निवास किया है ये भगवान का खुद का घर है अब हमारे घर में कोई हमारी परमिशन के बिना आ जाएगा क्या नहीं नहीं भगवान नहीं। ने जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा अब चाहे उसके लिए लोग कितनी ही बातें बना लें अब जब मीराबाई थी मीराबाई पर कितने लाछन लगाए गए लेकिन भगवान ने जो लिखा था वो होना था मीराबाई की भक्ति थी तो हुआ आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी अपनी समझ रखते हैं आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो पॉलिटिक्स का सफेद रंग था वो गेरुआ होता जा रहा है मतलब इसका भी आध्यात्मिकरण होता जा रहा है अब इसमें हावी कौन है अध्यात्म पर पॉलिटिक्स हावी है या पॉलिटिक्स पर आध्यात्म हावी है राजनीति की जो वास्तविक परिभाषा है उसमें कुछ शब्दों की महत्ता है सुसंस्कृत सुसंस्कृत अर्थात मतलब वेल बिहेव्ड हो हमारे पॉलिटिशियंस सुशिक्षित वेल एजुकेटेड हो और सुरक्षित मतलब सुरक्षा कर सके संपन्न और सेवा परायण जब ये सब होता है तो एक राजनीति सर्वहित प्रद होती है अब भारतीय सनातन के जो भारत आगम है उसमें इन शब्दों की एक बहुत महत्ता है हमारे यहाँ चार वर्ण हुआ करते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण जो है वो क्या काम निभाता था सुसंस्कृत सुशिक्षित उसके बाद आता है कौन क्षत्रिय सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करता था फिर आता है वैश्य वो संपन्न है राज्य या नहीं है वो इसकी व्यवस्था देखता था और फिर आते थे शूद्र जो सेवा परायण होकर सेवा करते थे तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में चारों वर्णों को किस तरह से मिलाकर कार्य किया जा सकता है ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और एक चीज समझिए कि आ, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है राजनीति जहाँ नीति शब्द आ जाए नीति का पर्याय ही धर्म है तो राजनीति और धर्म तो कभी अलग थे ही नहीं अब हाँ हालांकि भारत सेक्युलर है तो अब यहाँ पर हम एक बार को जो हिंदू धर्म की चीज़ें हैं अगर वो राजनीति में फॉलो करें तो वो बेटर होंगी लेकिन अगर हम शरिया फॉलो करने लगे तो कहीं ना कहीं हमें गर्त की तरफ लेके जाएंगी तो हमें कौन सा धर्म फॉलो करना है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लाम मजहब है क्रिश्चानिटी पंथ है धर्म तो सनातन धर्म ही है तो राजनीति और धर्म का मिश्रण होना बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं थे और एक चीज़ देखिए जब महाभारत में शांति पर्व में बात होती है भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में तो वो वहाँ पर भी तो मतलब इन बातों का मतलब इस डायलॉग में एक्सचेंज करते हैं कि क्या राजा के दायित्व हैं क्या जो है आपकी फॉरेन पॉलिसीज होनी चाहिए आप किस तरह से टैक्स लें किस तरह से आपका देश चलेगा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है किस तरह से आप मिनिस्टर डिसाइड करें ये सब बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं राम राज्य की बात हमारे ग्रंथों में है तो अगर हमारे भगवान ने उस राजनीति को आप एक, एक कथा है छोटी सी कि एक बार राजा वेन हुए तो राजा वेन जो थे उन्होंने भगवान को जो है एक तरीके से बैन कर दिया उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा अच्छा। और भगवान को भोग चढ़ना हवन यज्ञ होना बंद हो गए जब ये सब हुआ तो उसके बाद जो है धरती जो थी पृथ्वी उन्होंने अन्न उगाना बिल्कुल बंद कर दिया जो उगाती वो विषैला उसे खाकर सब लोग मर जाते तो अब जब लोग बहुत परेशान हो गए तो ऋषियों के पास गए संतों के पास गए ऋषियों तो और संतों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राजा वैन का शरीर जो था मतलब उनकी आत्मा को नष्ट कर दिया कि ऐसा दुष्ट राजा नहीं होना चाहिए अब समस्या आई कि राजा की पोस्ट तो खाली हो गई तो राजा कौन बनेगा तो भगवान विष्णु का जो पृथु अवतार चौबीस अवतारों में आता है वो पृथु अवतार हुआ जिन्होंने वापस से आकर धरती माता को प्रसन्न किया उनकी पूजा अर्चना की और पृथ्वी तभी नाम पढ़ा धरती का हुँ, और उसके बाद कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आप विषैली चीजें क्यों गाने लगी थी तो उन्होंने कहा कि देखिए जब भगवान को मैं जो कुछ उगाती हूँ मैं तुम लोगों के लिए नहीं उगाती मनुष्यों के लिए कुछ नहीं उगाती मैं उगाती हूँ कि भगवान का भोग लग सके और उस भोग से तुम सब प्रसाद पाके अपना पेट भर सको जब मेरे भगवान का भोग लगना बंद हो गया जब मेरे भगवान पे ही तुमने बैन लगा दिया तो मैं किसके लिए उगाऊ तो इसलिए मैंने उगाना छोड़ दिया था तो एक अच्छे राजा की यह महत्ता है कि अगर एक राजा अच्छा होगा तभी प्रजा का सुख हो सकता है और इसके बारे में धर्म में बहुत कुछ कहा गया गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यथा राजा तथा प्रजा मतलब जैसा राजा होगा उसका वैसे ही प्रजानुकरण करें बहुत सुंदर अच्छा आप अद्वैत के सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो जो आदि शंकराचार्य हैं पहले मैंने सुना था कि जो शंकराचार्य होते थे उनसे हमेशा विचार विमर्श करके राजा भी अपना राज्य चलाया करते थे सब कुछ उनके अनुसार होता था लेकिन आज के इस दौर में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन चीज़ों में मतभेद आया है मनभेद भी आया है गैप भी बढ़ गया है तो क्या आपको लगता है कि भारतीय पॉलिटिक्स में जो इतनी उथल पुथल मची हुई है चाहे वो राम मंदिर के समय शंकराचार्य का मना करना कि मैं नहीं आऊँगा या अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं धर्म और राजनीति में तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दूरी आई है जो दिक्कतें आ रही हैं वो इन दोनों के बीच में गैप की वजह से आ रही है अब यहाँ पर एक बात ना हमें समझनी होगी हुँ. कि राजनीति जो है वो धर्म पर हावी कभी नहीं होनी चाहिए भारत में क्या हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने संत करने खड़े कर दिए हैं कोई भाजपाई संत हो गया है कोई कांग्रेसी संत हो गया है कोई सपाई संत हो गया है, कोई बसपाई संत हो गया है लेकिन संत का काम ये है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना होके वो धर्म के रास्ते से कैसे राष्ट्र को सही दिशा दी जा सकती है इस अनुसार चले तो एक तो जो संत हैं जो कुछ मतलब कुछ मैं कहूँगा मैं यही नहीं कहूँगा सभी संत कुछ संत ऐसे हैं जो अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं फिर दूसरा गलती है हम लोगों की हम लोग संत के नहीं मान रहे हैं कई जैसे श्री श्री रविशंकर हैं मेरी खुद बहन जो हैं, है उन्हें बहुत मानती हैं आर्ट ऑफ लिविंग का उन्होंने जो कोर्स वगैरह था वो किया अभी बीते दिनों मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें श्री श्री की एक वीडियो आई उसमें श्री श्री कह रहे थे मतलब उन्होंने जो तो भगवान गणेश की उत्पत्ति की पूरी कथा है उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठाते हुए और मतलब माता पार्वती के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा कि पार्वती मैया इतनी मैली थी कि इतना मैल उतर गया कि गणेश जी बना दिए पूरे ये सब बातें श्री श्री रविशंकर ने कही अब श्री श्री रविशंकर को ना शास्त्रों का ज्ञान है ना पुराणों का ज्ञान है क्योंकि अगर उन्हें होता तो ये बात ना कहते उन्होंने ये बात ओशो से कॉपी की ओशो की सेम वीडियो मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी उनसे अच्छा। तो उन्होंने ओशो से कॉपी करी बोल दिया अब ऐसे लोगों को हिंदू जब पूज रहे हैं और अगर हम देखेंगे जब सर्वधर्म संगम वाली मीटिंग्स होती हैं तो उसमें श्री श्री रविशंकर सबसे आगे बैठे मिलते हैं तो जब ऐसे लोग हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स तो आनी स्वाभाविक है तो ये असल में अगर श्री श्री रविशंकर ने कहा है तो मुझे लगता है कि आजकल युवा पीढ़ी ये बहुत सारे सवाल उठाती है कि जो आप लोग कहानियां सुनाते हैं वो असल में कहानी है है और इस इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है मतलब प्रामाणिक तौर पे कहीं भी अगर, अगर, अगर श्री श्री रविशंकर इस बात को कहने का दम रखते हैं कि मैं एक हिंदुओं का धर्म गुरु हूं तो उनके अंदर ये कैलेबर भी होना चाहिए कि वो प्रूफ करें पहली बात तो ये कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैल से गणपति जी बने उन्होंने हल्दी चंदन आदि का, का और उससे एक विग्रह बनाया भैया पार्वती इतनी गंदी थी इतने दोनों से ही नहीं, नहीं हाँ, थी लैंग्वेज गलत है लैंग्वेज की बात नहीं है आप ये सम, मतलब एक चीज है कि आप क्वेश्चंस उठा रहे हैं कोई अगर क्वेश्चन उठा रहा है तो हमारा काम है कि हम उस प्रश्न का उत्तर दें आप उत्तर नहीं दे रहे हैं आप भी उसी भीड़ में जाकर खड़े हो जा रहे हैं नहीं नहीं ये बात सही है तो किस तरह से ये मतलब आप आप फिर किस किस मतलब किस बिहाव पर आप ये कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्म का एक धर्मगुरु हूँ और सिर्फ वही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें करते रहते हैं आपको क्या लगता है एजुकेशन की कमी है जिसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं शास्त्रों का ज्ञान नहीं है मैं तो यही कहूँगा शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हैं तो तो पढ़ा ही गया तो पढ़ाई नहीं 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 ना स्कूल में गया देखिए हमने और आपने नहीं की तो हम लोगों के पास एक चॉइस है कि हम उन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने ये सब पढ़ा है जो भारतीय शास्त्रों को जानते हैं भारत आगम को जानते हैं लेकिन जो लोग अपने आप को ख्यापित कर रहे हैं कि मैं महामंडलेश्वर हूं और मैं जो है जो नकली शंकराचार्य बने घूम रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ या जो लोग अपने आप को ख्यापित करते हैं कि मैं जगत गुरु हूँ वो लोग कम से कम पढ़े ना वो लोग आपको गाइड करें अभी पीछे मुझे कहना नहीं चाहिए जया किशोरी जी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि इस पर तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज हुई कुछ नियम है हर चीज के सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी पर बंधन लगाया गया रोक लगाई गई है लेकिन नियम बनाया गया है कि महिलाएं जो कथा का व्यासपीठ है उस पर नहीं बैठती उसके नियम दिए गए हैं क्यों नहीं बैठती कारण दिए गए सब दिया गया है तो जया किशोरी जी से लल्लन टॉप के एक पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रजस्वला में भी आप कथा करती हैं तो उन्होंने कहा हाँ बैक टू बैक में तो करती हूँ और कोई दिक्कत नहीं है जिस रजस्वला से जिस जिस अवस्था में भगवान प्रकट हुए उसमें क्या दिक्कत है देखिए आप जो अगर आप एक धर्मगुरु होने का दावा करती हैं चलिए खैर वो धर्मगुरु नहीं कहती लेकिन अगर आप धर्म की बात कर रही हैं तो जो धर्म में लिखा है आप एटलीस्ट उसको मानिए और अगर आप नहीं मानती हैं तो फिर आप अपने आप को उस पोजिशन पर मत लेके जाइए कि आप लोगों को एड्रेस करके भटकाने का काम करें क्या कारण अब क्या होता है कई जगह पर मैं देखता हूँ मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो वोक होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया महिलाओं को मंदिरों में पीरियड्स के दौरान रजस्वला के दौरान क्यों जाने की अनुमति हाँ, मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए हाँ. वो तो जाएंगी भगवान की भक्ति करने में क्या दिक्कत है मैंने कहा देखिए कारण है अकारण कुछ नहीं है शास्त्र आ, शास्त्रों में और ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकती आप नाम जो है आप भगवान का नाम लीजिए भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है इसके अलावा भगवान का जो मंदिर होता है उसका शिखर भगवान का मुख माना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार यदि आप गर्भगृह में नहीं जा पा रहे हैं और आप जहाँ अपने घर में हैं अगर आप अपने घर से उस मंदिर के शिखर का या उसकी ध्वजा का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वही फल मिलता है जो आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद मिलेगा आपने ये जो बात कही ना इसके बाद सच बात है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठेगी क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुकी हूँ उनसे बात कर चुकी हूँ जिसमें वो लोग साफ कहते हैं कि अप, पीरियड्स जो है एक आम एक एक साइकिल ऑफ लाइफ है और ये हर वुमेन के साथ है हर महिला के साथ ये होता है तो रजस्वला होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान की भक्ति से दूर रहें कुछ लोगों ने कहा हम तो उस टाइम अध्ययन भी करते हैं पुस्तकों का आप जैसे आप कह रहे हैं कि गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए जो कि जयकिशोर जी ने कहा कि हाँ मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या लगता है ये वुमेन एम्पावेंट वाली बात आजकल जो उठ रही है उस वजह से लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इक्वालिटी की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या सच में आपको लगता है कि कोई साइंटिफिक रीजन है जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कई आपने बात की थी ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अध्यात्म वाले हैं कई देवियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना हाल ही हाल फिलहाल में यज्ञ पवीत कराया हाँ हाँ आप जानती हैं ना यज्ञ पवीत होता है केवल पुरुषों का ठीक है उसके क्या कारण हैं पहला कारण ये है कि जिसकी शिखा होगी ब्राह्मण कुल में होगा पहला तो यह है कि कोई भी ब्राह्मण अगर मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन मेरा यज्ञ यज्ञपवीत नहीं हुआ है मैं त्रिकाल संध्या नहीं करता हूँ तो मैं एक उचित ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं हूँ और जब हमारा यज्ञ यज्ञपवीत होता है तो हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है जैसे जब हम कहीं आ, आ, सूतक में जा रहे हैं शोक हुआ कहीं पे या किसी का जन्म सूतक पातक दोनों में तो हमें जनेऊ बदलना है जनेऊ की प्रक्रिया है क्योंकि वहां वो अपवित्र होता है अगर शास्त्रों में लिखा है कि उस चीज से अपवित्र हो रहा है तो हमें मानना पड़ेगा हम उसमें क्वेश्चंस खड़े नहीं कर सकते तो जिन देवियों ने कराया और वो जिस बात का दम भरती हैं कि भारत में जो है गार्गी हुई और भारती हुई जिन्होंने शास्त्रार्थ किया भैया कहिया उन्होंने शास्त्रार्थ उन्हें शास्त्रों की जानकारी थी लेकिन उनमें से किसने अपना यज्ञ पवित कराया hmm. आप कहां था कि उन्होंने यज्ञ पवित कराया आप जिनका नाम लेकर जिनका सहारा लेकर यह कह रहे हैं कि हम उनकी तरह आए और हम यज्ञ पवित कर रहे हैं उन्होंने शास्त्रों का सम्मान किया है एक बात आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जो है वो खुद भगवान है hmm. उन्होंने खुद मतलब नारायण है नारायण ने अवतार लिया है ऐसे में श्री भगवान रामचंद्र भी जब इस धरती पर आते हैं तो वो शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हैं वो ये नहीं कहते कि जो शास्त्रों में लिखा है लाओ हम उसे खंडित कर दें जब भगवान इस धरती पर अवतरित होकर उन्हीं शास्त्रों का पालन कर रहे हैं तो आप कौन है जो उन शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह उठाएं मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं जो केस कौन को फॉलो करते हैं श्री राम जी को फॉलो करते हैं उनकी सीधी लड़ाई आर्य समाज की विचारधारा से है या यूँ कह रहा कि आर्य समाज जो वो सीधा प्रहार ही उन चीज़ों पर करते हैं जो कि हमारे धर्म में हम लोग जो नियम फॉलो करते हैं उन्हें लगता है कि सब आडम्बर है आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही एक विषय है जो दोनों के बीच में टकराव है क्योंकि आप जो आज बात कर रहे हैं इसके ऊपर मुझे मालूम है कि आर्य समाज की तरफ से बहुत कठोर टिप्पणियां आने वाली हैं कि जो आपने बातें कही हैं वो आर्य समाज उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो क्या इसी वजह से हिंदू बटा हुआ है आज की बात नहीं है पहले की बात है जब तो आदि गुरु शंकराचार्य जी आए उससे पहले आज तो खैर हम आर्य समाज इसकोन और इन सभी परंपराओं में बटे हैं एक समय था जब जो मुख्य पांच परंपराएं हैं पंचदेव जो है पंचदेव उपासना जो है उनसे पांच संप्रदाय बने शाक्त जो है वो देवी को सर्वोपरि मानते थे वैष्णव भगवान विष्णु को मानते थे शैव भगवान शिव को मानते थे गणपत्य संप्रदाय से जो संबंध रखते थे वो गणपति जी को मानते थे सौर संप्रदाय वाले सूर्य को मानते थे तो इनमें कहीं ना कहीं अंतरद्वंद था कि हम श्रेष्ठ हैं या हम बड़े हैं उसी समय तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया है और एक चीज समझने वाली है कि जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनसे कोई पूछे कि यदि मूर्ति पूजा गलत है तो जो वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह स्थापित है उसकी भगवान शिव क्यों पूजा करते थे मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा कुछ उत्तर नहीं दूंगा हुँ. मैं सिर्फ एक बात कहूँगा वो विग्रह वहां पर कैसे आया खुद भगवान शिव उसकी पूजा करते थे तो अब हाँ। उसको किसने बताया कि वो भगवान शिव वहाँ पूजा करने आते थे वो कहाँ वर्णित थे भगवान शिव पूजा करने नहीं आते थे इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है हरेवंश महाप्रभु जो हैं उनको दहेज में मिले थे राधा वल्लभ लाल जी और एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान शिव के जब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की भगवान शिव की पूजा की भगवान तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव जब उनसे प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव ने कहा मांगो क्या मांगते हो मुझसे तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान जो आपकी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है जो तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे दे दीजिए तब भगवान शिव ने अपने नित्य ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जू अपने उस भक्त को प्रदान किया मुझे उन भक्त का नाम याद नहीं आ रहा है दिमाग से निकल गया है उन भक्त के जमाई हुए हरेवंश महाप्रभु जिनके आज भी जो आगे वंश के लोग हैं वो वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं प्रेमानंद जी का आपने नाम सुना होगा प्रेमानंद जी कि दीक्षा जिन मोहित मराल जी से हुई वो उसी श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के मुख्य सेवायत अधिकारी हैं अच्छा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा मैं ये कहूंगा कि भैया अगर मूर्ति पूजा गलत है तो भगवान शिव पे पहले जाके आप आक्षेप लगाइए भगवान शिव की तीसरी आंख को अगर आप झेल सकते हैं तो आक्षेप लगाइए वरना दयानंद सरस्वती जी का खंडन कई बार पूरी के शंकराचार्य जी अपने वीडियोस में कर चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं इतना जो है मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं समझता कि मैं बार बार खंडन करूं और अद्वैत का सिद्धांत है हमारे यहाँ हमारे यहाँ मूर्ति पूजा जो करता है उसको भी माना जाता है जो यज्ञ को करता है उसको भी माना जाता है लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित है जो पुराणों में वर्णित है जो वेदों में वर्णित है आप उस पर चलिए उसके अलावा कहीं मत जाइए एक बात और आती है कि गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण मुख से नहीं करना चाहिए ये एक ऐसा मंत्र है जिसे कहते हैं कि बहुत पावरफुल मंत्र है इतना पावरफुल कि ये अगर सही व्यक्ति करे उसका उपयोग तो फायदा पहुंचाता है और अगर आप गलत तरीके से या गलत हैं अगर आप अधिकारी नहीं और अगर उसका आप पाठ कर रहे हैं तो आपको नुकसान पहुंचाता है लेकिन आज देखिए सब करते तमाम हैं। लोग हैं अगर मतलब कहीं आप जाएंगे तो छोटा सा बच्चा भी अगर आ रहा है ना उसकी मम्मी कहेंगी हमारा बेटा जो है बहुत पूजा पाठी है बेटा जरा गौत, वो, गौतम वो गौतम भैया को सुनाओ गायत्री मंत्र <laughs> अब गायत्री अरे मैया तुम कल्याण नहीं करा रही हो तुम जो है इसको एक बहुत बड़े खतरे में डाल रही हो तो जब बात होती है कि गायत्री मंत्र की अधिकारी महिलाएं नहीं है महिलाएं कहती हैं कि भैया फिर हम कैसे फायदा उठाएं इसका हम कैसे लाभ उठाएं कि गायत्री मंत्र पावरफुल है हमें भी उसकी पावर्स चाहिए तो उसके लिए तुलसी बाबा ने ट्रांसलेशन लिखा है गायत्री मंत्र का जो आप में कोई भी उसका जाप कर सकता है और उतना ही फल मिलेगा जितना गायत्री मंत्र का जाप करने से एक त्रिकाल संध्या वाले शिखाधारी जनऊधारी ब्राह्मण को मिलता है वो क्या है कि जनक सुता जग जननी जान की अतिशीय प्रिय करुणा निधान की जुग पद कमल मनावो जासु कृपा नर मल मत अच्छा ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र का वो सब्सिट्यूट है जिसका पाठ करना चाहिए हमें और इससे हमारी लाइफ इजी हो सकती है और जो ये तमाम हैं ये सब खत्म हो जाएंगी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी अद्वैत का जिक्र हमने बहुत बार किया अगर मैं आपसे इसकी परिभाषा समझना चाहूँ तो आप कैसे समझाएंगे अद्वैत का सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान जो है वो सृष्टि के कण में व्याप्त है और हम जिस भी वस्तु में देखें वहां हमें भगवान मिलेगा इसमें एक कथा आती है कि अद्वैत की बात करते थे आदिगुरु शंकराचार्य जी तो क्या हुआ एक बार चांडाल आ गए एक चांडाल आ गए तो भगवान जो है उनसे जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे दूर होने लग गए तो चांडाल ने कहा कि भैया तुम तो अद्वैत की बात करते हो क्या तुम्हें मुझमें भगवान नहीं मिले क्या तुम्हें मुझमें भगवान नहीं दिखे तो शंकराचार्य जी को थोड़ा मतलब लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कर सकता जब उन्होंने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा तो स्वयं भगवान शिव थे जो उनकी परीक्षा लेकर उन्हें ये समझाने आए थे कि अद्वैत का रास्ता बिल्कुल सही है और अद्वैत को प्रचारित और प्रसारित करो तो ये कथा है और मतलब भारतीय आगम की भारतीय अध्यात्म की सनातन धर्म की हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि हमारे यहाँ किसी को भी कम नहीं आका गया है भगवान की भक्ति अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी करता है तो उसे भगवान प्राप्त होते हैं मुझे लगता है आपने ताज बेगम की कहानी सुनी होगी नहीं फिर से सुना दीजिए ताज बेगम एक मुगल बेगम थी वो हज पर जा रही थी तो जब हज पर जा रही थी तो वृंदावन से क्रॉस हो रही थी तो वृंदावन में जब वो क्रॉस हुई थी तो उन्होंने देखा एक मंदिर की ध्वजा लहरा आ रही है घंटों तो 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 की छोटा खुदा रहता है वो मंदिर की घंटियों ने ताज बेगम को ऐसा आकर्षित किया कि उन्होंने कहा कि मैं भी एक बार इस छोटे खुदा को देखना चाहती हूँ और आप मानेंगी नहीं जो ताज बेगम अपने महल से हज की यात्रा करने के लिए निकली थी वो हज पे ना जाके जीवन पर्यंत वृंदावन में रही अच्छा और किस नाम से रही ताज बेगम ताज बेगम और आ, उन्होंने कई पद र, र, रचे उसमें आता है कि हूँ तो मुगलानी लेकिन हिंदुवानी बन के रहूंगी मैं अच्छा। इस तरह का एक पद है बहुत सुंदर पद है और आ, उनकी समाधि है आज भी और ब्रज ब्रज में तो ऐसे कई चमत्कार हैं आप जब जब मतलब जहाँ कहीं जाएंगे आपको इस तरह के चमत्कार देखने को मिलेंगे कि जब तुलसीदास जी मतलब भगवान जो हैं अपने भक्त की भक्त के लिए किस हद तक जा सकते हैं मतलब भक्त बत्सल क्यों कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी आए राम जी में आस्था थी भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ विग्रह देख कर, उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगा उन्होंने कहा कि मेरा तो सिर तभी झुकेगा जब भगवान राम मुझे दर्शन देंगे <laughs> तो भगवान कृष्ण ने वहां पर वंशी छोड़कर धनुष धारण कर, <laughs> नहीं, नहीं, कर नहीं, नहीं, लाँ लिया।, लाँ लिया और कृष्ण भय रघुनाथ तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं तो जब भक्ति आप करते हैं तो भगवान भेद नहीं करते हैं और भगवान का भेद करने का कोई मतलब कोई कारण ही नहीं है भगवान के पास भेद करने का भक्त तो उनके लिए भक्त है फिर चाहे वो राक्षस कुल में उत्पन्न प्रहलाद हो या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न सुदामा हो भक्त तो भक्त है बहुत सुंदर आपसे आज बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मैंने आध्यात्मिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया आपने बहुत कथाओं के माध्यम से छोटे छोटे जो आपने दृष्टांत थे हैं, वो सुना करके मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया अध्यात्म के विषय में पॉलिटिक्स पर आपकी पकड़ तो है ही कविता आपसे मैं ज़रूर सुनूंगी आने वाले समय में मुझे मालूम है कि आज समय का अभाव है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगली बार आप कविता ज़रूर सुनाइएगा लेकिन आज के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार थैंक यू धन्यवाद